गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज का जो मेरा प्लान है वो है कि आज से मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बता रखा है कि जो भी इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने का मेरा तरीका होता है कि सबसे पहले मैं सर्किट के सम्स को क्लियर करता हूँ, देन आफ्टर सर्कल्स हो जाएगा, देन हम RC सर्किट के भी क्लियर कर लेंगे, देन वो जो थियरी का पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्किट वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, और कैसे सॉल्व होता है देखो, तो मेरा तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो अब यहाँ ध्यान से समझना, करेंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इसके बारे में मैं थोड़ा तुमको डिटेल ये करूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो मेंस में क्वेश्चन होते हैं वो थियरी टर्म्स में क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, और जो एडवांस में क्वेश्चन होते हैं वो सर्किट के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला है कि मैं सर्किट पहले कंसिडर करता हूँ, देन आफ्टर आपको मैं थियोरी वाले सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस करके उसके क्वेश्चंस करूँगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेरी बात को एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करना। ठीक है, कि जैसे देखो अभी तुमने 10th में ये चीज़ पढ़ा होगा कि रेसिस्टेंस जो होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे होते थे 10th में, तो वहाँ पे तुमने एक टर्म्स पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस में तुमने कंसिडर किया होगा, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े टर्म्स को रेसिस्टेंस बेसिस पे समझने की कोशिश करना। देखो अगर सपोज करो मेरे पास इस तरह से ऐसे एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है रेसिस्टेंस आर। ओके, और ये रेसिस्टेंस बना है और यहाँ पर मैंने एक टर्मिनल बना रखा है। ठीक है, टर्मिनल है ये ए और ये टर्मिनल है मेरे पास बी, इज इट क्लियर। अब यहाँ देखो कि अगर करेंट का डायरेक्शन मैं इस तरफ दे रहा हूँ आई, ठीक है, तो करेंट अगर इस वायर में फ्लो कर रहा है जहाँ रेसिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस क्या करेगा, फ्लो ऑफ द करेंट को क्या करेगा, रेसिस्ट करता है, रोकता है। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग कहते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इस कंडीशंस में अगर मैं बोल रहा हूँ कि इधर से इधर जा रहा है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, आप कैसे लिखोगे, वी ए मतलब पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए। देखो करेंट का डायरेक्शन तो यही दिया है हमने, इज इट क्लियर, और उसके बाद जिस डायरेक्शन में करंट चलता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे ओम्स लॉ से क्या लिखोगे, आई इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, वी बी। तो ये टोटल आप अगर अरेंज करो कि पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी टर्मिनल के बीच कितना हो, तो क्या लिखेंगे, वी ए बी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं इतने टर्म्स को समझने में आपको, तो यहाँ पे ये क्लियर है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया मेरे पास, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई इन टू आर। क्लियर, ठीक है, अब यहाँ पे समझना बेसिकली क्या होता है कि जब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो थोड़े हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में इसको तीन टर्म्स में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे अब ये तो तुमको समझ में आया कि करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उस डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल का ड्रॉप आता है। ठीक है, और पोटेंशियल का ड्रॉप आता है उसको इक्वेशन वाइज हम इस तरह से डिनोट करते हैं, दिक्कत नहीं इसको समझने में। अब ध्यान से समझो ये क्या होता है कि जब भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इसमें दो लॉ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं जंक्शन लॉ और एक को कहते हैं हम लोग लूप लॉ। ठीक है, जंक्शन लॉ जो होता है बेसिकली उसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे वो डिपेंड करता है। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास इस तरह से एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, और एक रेसिस्टेंस आप कंसिडर कर लो इधर से, ठीक है, और ये इस तरफ से जा रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ पे समझो इसका रेसिस्टेंस R1 है, यहाँ पे रेसिस्टेंस R2 है। क्लियर है, अब यहाँ देखो सपोज करो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ करेंट है वो है I1 और यहाँ पे जो फ्लो ऑफ करेंट है वो है I2। ठीक है, और इस डायरेक्शंस पे जो करेंट निकल रहा है वो क्या है, I3। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसके लिए इक्वेशंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, I3। ठीक है, ये जो कंसिडरेशन है, यही मैंने क्या बोला, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, इसको बेसिकली यही जो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, किरचॉप्स किरचॉप्स
जंक्शन लॉ, ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, क्लियर है। तो किरचॉफ जंक्शन लॉ आपको समझ में आया कि किरचॉफ जंक्शन लॉ एक्चुअल में वर्क किस पे करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के फंक्शन पे, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे समझो कि अगर मैं कंसिडर ऐसे करूँ, देखना, देखो अगर सपोज करो मेरा कंसिडरेशन इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, कि जैसे मेरे पास एक लूप है यहाँ पर ऐसा, ठीक है, इस जगह सपोज कर लो एक बैटरी कोई लगी हुई है, क्लियर, और मैं बात करूँ तो यहाँ भी एक रेसिस्टेंस इस तरह से कंसिडर किया हुआ, ठीक है, मैं राउंड अप ऐसा बना हुआ है, ओके, इसको थोड़ा ऐसे समझना, जैसे थोड़ा सर्किट्स को सही कर देते हैं, ठीक है, देखो आप समझना, जैसे सब मेरे पास सर्किट ऐसा बना हुआ है, ये है सर्किट, इस तरह सर्किट बना हुआ है, क्लियर, ये कुछ नहीं है, ये ऐसा सर्किट बना हुआ है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इस तरफ से जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है, वो एक कंप्लीट लूप है, कंप्लीट लूप में यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ये दिख रहा है और एक रेसिस्टेंस ये दिख रहा है और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम लूप की बात करें तो यहाँ पे हम लोग इस कंडीशंस को हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, समेशन ऑफ पोटेंशियल बिकम्स जीरो, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग किरचॉफ्स लूप इक्वेशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किरचॉफ्स लूप इक्वेशन, कहीं दिक्कत नहीं इतने टर्म्स को समझने में, ठीक है, क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, किरचॉफ्स लूप इक्वेशन, इज दैट क्लियर। मैं देखो बहुत धीमे धीमे बता रहा हूँ कि अगर ये सेक्शन समझ में आता है ना तो हमें सर्किट के क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्लियर। तो इतनी बातें तुमको समझ में आ गई, ठीक है, कि दो बेसिकली हम लोग किरचॉफ्स के रूल्स को यूज करते हैं, एक को कहते हैं हम लोग जंक्शन लॉ और एक को कहते हैं हम लोग लूप लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, मैं थोड़ी सी कहानी तुमको बैटरी की बताता हूँ, तो बैटरी के बारे में थोड़ा समझना, कि जैसे सपोज करो कि इस तरह से बैटरी बनी हुई, जो नॉर्मली आप लोग 10th में पढ़ के आते हो, ये बैटरी बनी हुई है, ठीक है, इस बैटरी में ये दिया हुआ है ई, ठीक है, अब ये जो दिया हुआ है ई, इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, ई एम एफ, ठीक है, बट ये इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स का मतलब ये नहीं होता कि ये फोर्स है, एक्चुअल में ये क्या होता है, इनर्जी, जैसे इनर्जी का मतलब ऐसे समझो कि आप क्या कर रहे हो, कि यहां से इस डायरेक्शन में एक चार्ज थ्रो कर रहे हो, ठीक है, जैसे ही तुम ये चार्ज थ्रो कर रहे हो और ये चार्ज क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव से पॉजिटिव चलने में जो वर्क करता है, ठीक है, जो वर्क करता है उसी को अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक्चुअल में क्या है ये, इनर्जी, क्योंकि चार्ज को फ्लो कराने के लिए कोई एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी इसको मिलती कहाँ से है, ठीक है, अगर ये भी है कि भाई कहाँ से मिलेगी ये एनर्जी, तो वो एनर्जी क्या होती है, जो बैटरी है, तो बैटरी एक्चुअल में किससे बना होता है, किसी केमिकल से बना होता है, वो जो केमिकल है वो केमिकल के हेल्प से क्या होता है कि वो चार्ज फ्लो होता है, मतलब बेसिकली हम लोग केमिकल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होता है किसी बैटरी के केस में, इज दैट क्लियर। अगर यहाँ पे देखो तो बैटरी का चार्ज को पॉजिटिव से निगेटिव ले जाने में जो वर्क होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कहीं दिक्कत नहीं स्टेटमेंट समझने में, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे तुम ऐसे सपोज कर लो कि इस पे जो चार्ज का फ्लो है वो चार्ज का फ्लो यूनिट है, जैसे मैं तुमको ऐसे बोलूँ कि वर्क डन ऑफ बैटरी, ठीक है, मैंने लिख दिया वर्क डन ऑफ बैटरी, तो जो चार्ज है तो वर्क डन ऑफ बैटरी हमने क्या ले लिया, क्यू इंटू डेल्टा वी, ठीक है, तो ये जो चार्ज है अगर इसको मैं यूनिट बोल देता हूँ कि यूनिट चार्ज है और डेल्टा वी जो है मेरा वो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, मतलब पोटेंशियल जो है वो ई है, तो यहाँ पे देखो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब वर्क डन ऑफ द बैटरी क्या मिल गया हमको, ई के बराबर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कहीं प्रॉब्लम नहीं है स्टेटमेंट को समझने में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से समझो, छोटी सी बातें हैं इसको ध्यान से समझना, ठीक है, ये सेक्शंस मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा अच्छे से तुमको डिटेल कर रहा हूँ कि आपको ये सेक्शन अगर समझ में आते हैं सर्किट के क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है, बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि सर्किट के क्वेश्चंस जो होते हैं ज़्यादातर बच्चे वही प्रॉब्लम्स करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि एकदम धीमे धीमे स्लो स्लो पढ़ा के आपको ये जो प्रॉब्लम्स है एकदम नहीं आए, ठीक है। जैसे देखो
अगर मैं तुमको ऐसी ऐसे बना के देता हूँ, देखो इस तरह से एक बैटरी बनी हुई है, इज इट क्लियर? ऐसा बैटरी बना हुआ, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें कोई भी इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है तुमको, ठीक है। अब देखो, बेसिकली तुमने जितनी भी बैटरी पढ़ी है ना, उसमें यही बैटरी पढ़ा है, मतलब इसमें कहीं इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं हो रहा। अब इंटरनल रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, वो क्या करता है एक्चुअल में, करंट फ्लो करता है तो उसको रेसिस्ट करता है, और रेसिस्ट करता है इसका मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर होता है। वहां पर कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होती है? ऑब्वियसली केमिकल एनर्जी जो है बैटरी के पास, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होते वक्त एक और एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर रेसिस्टेंस है, वहां से करंट फ्लो कर रहा है, तो जो एनर्जी डेवलप होती है वो हीट एनर्जी डेवलप होती है, कहीं दिक्कत नहीं। तो अगर सिर्फ यहाँ पर तुमको एक बैटरी दी हुई है और इसमें कोई इंटरनल नहीं है, तो इस बैटरी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल बैटरी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल बैटरी। इज इट क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं है स्टेटमेंट समझने में? अब यहाँ पे एक टर्म्स को और समझो, कि अगर मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, इस तरह से ऐसे बनाया, ठीक है, क्लियर है? एक सेकेंड देखो, यहाँ समझना कि अगर मेरा टर्म्स कुछ ऐसा है, मैंने ऐसे बना दिया, देखो ये बैटरी हो गई मेरे पास, और यहाँ पर ठीक है, ये बैटरी का ईएमएफ हो गया, मतलब पोटेंशियल, और यहाँ पर मैंने ये आर लिखा, और आर जो है मेरे पास वो क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो बैटरी होती है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल बैटरी। ये क्या हो जाएगा, रियल बैटरी, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं इतने टर्म्स को समझने में। इस बैटरी को अपन बेसिकली क्या बोलेंगे, रियल बैटरी। इज इट क्लियर? आपको बहुत अच्छे से एक एक टर्म समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल बैटरी, ठीक है। अब यहां पे समझना की कोशिश करना मेरी बात को, देखो रियल बैटरीज में हम लोग दो चीजें टर्म्स में ध्यान रखते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैंने ऐसा कुछ बनाया है कि ये बैटरी है, ठीक है, इसके साथ रेसिस्टेंस ऐसा बना हुआ, ओके, क्लियर है ना। अब यहाँ देखो, इसका एक टर्मिनल मैंने ये कंसिडर किया, दिस इज द ए टर्मिनल, और इसका एक टर्मिनल मैंने यहाँ कंसिडर किया है, बी टर्मिनल, ठीक है, और यहाँ क्या है, ई, और ये क्या है, आर। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसके साथ देखो, ये टोटल मेरा क्या है यहाँ पे, ये बैटरी है, ठीक है। अब इस बैटरी के साथ तुम बहुत सारे मतलब टर्म्स जोड़ सकते हो, बैटरी से जैसे बल्ब जलाते हैं, बहुत सारी वर्क करते हैं। तो अगर इसके साथ जो ये जो रेसिस्टेंस जुड़ा होता है, इस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, लोड रेसिस्टेंस, ठीक है, टर्म्स को समझना। अगर ये आर है, तो आर को हम लोग क्या बोलेंगे, लोड रेसिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, लोड रेसिस्टेंस, कहीं दिक्कत नहीं इतने टर्म्स को समझने में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोड रेसिस्टेंस। इज इट क्लियर? ठीक है। देखो यहां हमने क्या बोला कि ये जो रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है, ठीक है, ये जो आर रेसिस्टेंस दिख रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लोड रेसिस्टेंस। अब लोड रेसिस्टेंस जब इसको कंसिडर कर रहे हो, तो यहाँ पर टर्म्स को बहुत इजी वे में समझते चलना, ठीक है, कि लोड रेसिस्टेंस हो गया ये, ठीक है, और ये जो ए और बी सेक्शन है, दिस इज ए और ये बी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ऐसे क्लियर? एकदम छोटे छोटे टर्म्स में बता रहा हूँ, आप एकदम ध्यान से समझना। ए और बी को क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कि कंडीशन अगर इस तरह से दिया हो, चलो मैं इसको एक बार वापिस बनाता हूँ और ध्यान से समझना, कि जैसे बैटरी मेरे पास यहाँ है और ये रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है, और ये पॉइंट्स को ए ले लो और ये पॉइंट को बी कंसिडर कर लो, और इसके साथ ये है इस तरह से कंडक्ट कर लो, ठीक है, और इसके साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, एक लोड रेसिस्टेंस को जोड़ के रखा है, ठीक है, ये लोड रेसिस्टेंस है मेरे पास, ये ई है और ये स्मॉल आर है, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं थी तुम समझने में। अब यहाँ पे देखो, इस जगह अगर तुम पोटेंशियल लिखना शुरू करो, ध्यान से समझना, इस जगह अगर तुम पोटेंशियल लिखना शुरू करो, सपोज करो कि करंट का फ्लो इस तरह से चल रहा है,
ठीक है, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल लिखना शुरू करें तो देखो, अगर मैं ऐसे लिखूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं ऐसे लिखूँ वी ए मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल, और जब इस तरफ जाएंगे तो कहाँ जा रहा है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, तो मतलब क्या लिखोगे, माइनस की। अब यहाँ देखो ये आर दिया हुआ है, और करेंट कहाँ जा रहा है, करेंट के डायरेक्शन, करेंट का जो डायरेक्शन उसके अपोजिट चल रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, प्लस आई आर इज इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल एट वी बी। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ई माइनस आई आर। अब इसकी कहानी पे थोड़ा ध्यान से समझना कि जब ये वैल्यू आपको मिली वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो इस कहानी पे ध्यान दो। यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये बैटरी का ईएमएफ है और ये आई आर दे रहा है, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान से देखना बेटा, ये स्मॉल आर है, यहाँ पे मैंने कैपिटल आर लिख लिया है, तो उससे लेके तुम कंफ्यूज नहीं होना। चलो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझो कि ये क्या है मेरे पास, आई आर, इज इट क्लियर, इसको भी मैं ठीक कर देता हूँ। ये क्या है, आई आर, ओके। अब यहाँ पे टर्म्स को समझना कि जब ये वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर है, तो देखो किसी भी बैटरी में, जैसे मैंने तुमको स्टार्ट में बताया कि बैटरी में जो चार्ज का फ्लो होता है वो उसको फ्लो कौन कराता है, केमिकल कराता है, ठीक है। तो केमिकल्स के अंदर भी एक रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, वो रेसिस्टेंस होता है। अगर मैं इस इक्वेशन से बात करूँ तो ईएमएफ कभी भी डिक्रीज नहीं करता। एक्चुअल में क्या होता होगा, एक्चुअल में ये जो रेसिस्टेंस है आर, ये रेसिस्टेंस क्या इंक्रीज कर जाता है, और जैसे जैसे ये रेसिस्टेंस इंक्रीज करता जाता है तो एक टाइम आता है कि बैटरी ओल्ड हो जाती है और उसका पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होने लगता है और वो जीरो हो जाता है। आ रही है बात समझ में? तो कभी ऐसा नहीं समझना कि ई में कोई फर्क पड़ता है, ई में कोई फर्क नहीं पड़ता, और धीरे धीरे क्या होता है, केमिकल्स के कारण वहां पर क्या होता है, पोलराइजेशन के कारण एक कोटिंग बनने लगता है, और कोटिंग बनने के कारण वहां पर क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करता चला जाता है, और इंटरनल रेसिस्टेंस के इंक्रीज करने के कारण ही क्या होता है, धीरे धीरे पोटेंशियल ड्रॉप होता है और वो टर्मिनल जीरो हो जाता है और बैटरी को हम कहते हैं कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। तो कभी भी अगर इस तरह का इक्वेशंस आपको कंसिडर करें, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी का इक्वेशंस। कहीं दिक्कत नहीं है टर्म समझने में? चल अब यहां आगे देखो, देख इसके बाद अब हम बात करते हैं चार्जिंग ऑफ द बैटरी की, ठीक है। तो देखो जैसे सपोज करो मेरे पास इस तरह से दिया हुआ है, देख यहां समझना, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। बैटरी ऐसा है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम टर्मिनल ले लेते हैं ए, और ये टर्मिनल है बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस जगह मेरे पास क्या है, लोड रेसिस्टेंस जैसे मैंने तुमको बताया अभी, और यहाँ से ये बैटरी का फंक्शन है, ठीक है, ये बैटरी का फंक्शन है, ठीक है। अब मैं सपोज करो करंट का डायरेक्शन इधर दे रहा है, करंट इधर जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो कि अगर करंट का डायरेक्शन, जैसे करंट है वो इस तरफ से कहीं से आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस नहीं होगा, क्लियर है। लोड रेसिस्टेंस नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, कोई एक बैटरी होगी जिसके से ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक बैटरी होगी तो भी वो दूसरे बैटरी को क्या करेगा, करंट दे सकता है। तो अगर इस तरह का कंडीशन दिया हुआ है और ये तुम्हारा क्या है, ई है और ये आर है, तो इस जगह अगर तुम पोटेंशियल ड्रॉप लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो वी ए, ठीक है। अब देखो जिस डायरेक्शन में करंट है, अब यहाँ देखो ये प्लस से माइनस, यहाँ तो पहले तो लिख देंगे माइनस, ठीक है। आप देखो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इसको क्या लिखोगे आप, माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, वी बी, ठीक है। अब यहां पे समझो कि जब ये तुमने लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहां पे, देखो ई प्लस आई आर, ठीक है। यहाँ पर तुमको क्या दिख रहा है, ये जो इक्वेशन है ये किस चीज़ का इक्वेशन हो जाएगा, ये सिंपल इक्वेशन हो जाएगा क्या, चार्जिंग ऑफ द बैटरी का। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है, चार्जिंग ऑफ बैटरी, कहीं दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके आगे हम ये करेंगे कि ये देखेंगे हम लोग कि क्या चल रहा है हमारा, ठीक है, मतलब किस तरह से जो बैटरी को हम अरेंज करें। जैसे तुमने 10th में भी पढ़ा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं।
ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे समझो, जब तुमने चार्जिंग ऑफ द बैटरी की बात कर ली, हमने क्या देखा यहाँ पे कि क्या क्या हो रहा है। पहला हमने ये देखा कि इंटरनल रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण बैटरी क्या होता है, डिस्चार्जिंग कंडीशन में होता है। फिर हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर एक बैटरी है दूसरे बैटरी को चार्ज भी कर सकता है, उसका भी कंडीशन हमने देखा। मगर हर कंडीशन में एक चीज याद रखो, ई कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? अब सपोज करो अगर एक ओपन सर्किट तुमको दिया हो, ओपन सर्किट का मतलब इस तरह से देखो, जैसे यहाँ एक बैटरी बनी है ठीक है, और इस जगह एक रेसिस्टेंस है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ठीक है। इस पे कोई करंट नहीं है, ये इस तरह से बना हुआ है ठीक है। मगर कोई करंट नहीं है, अगर इस पे ओपन सर्किट है तो ऑब्वियसली आई की वैल्यू क्या है, जीरो। अगर इसके लिए तुम पोटेंशियल लिखना शुरू करो तो चलो वी ए माइनस क्या लिखेंगे, ए, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या मिलेगा तुमको, जीरो ठीक है ना। यहाँ पे ड्रॉप कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो। इज इक्वल टू क्या लिखोगे तुम, वी बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वल, सॉरी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई। इज इट क्लियर? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पर अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, या फिर सेम रहता है पोटेंशियल ड्रॉप के, तो आप क्या बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप के? ऑब्वियसली हमने क्या देखा कि जब डिस्चार्जिंग कंडीशन में होता है तो ईएमएफ का, जब हम पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं तो वहां पर ईएमएफ जो होता है बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेसिस्टेंस के इंक्रीज करने से ईएमएफ क्या होता है, डिक्रीज करता है। बट इन द केस ऑफ द चार्जिंग हम क्या बोलते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या होता है, वो इंक्रीज करता है। और हमने क्या देखा ओपन सर्किट के केस में क्या होता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो किसके बराबर होता है, ऑब्वियसली ईएमएफ के बराबर होता है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई ओपन सर्किट है, एक सिंगल बैटरी है तुम्हारे पास, उस और उसको तुमने किसी भी टर्मिनल से, मतलब किसी भी सर्किट्स में उसको ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका ईएमएफ ऑलवेज क्या मिलेगा तुमको, कांस्टेंट मिलेगा। मतलब पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा ईएमएफ के ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन कंडीशंस आपको समझ में आ गए कि अगर कोई ओपन सर्किट है तो उसमें अगर करंट का ओपन सर्किट है तो करंट क्या है, जीरो है। जब करंट जीरो है तो उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही उसका क्या होगा, ईएमएफ होगा। बट इन द केस ऑफ द चार्जिंग बैटरी, चार्जिंग बैटरी में अगर किसी अनदर बैटरी के हेल्प से अगर हम किसी दूसरी बैटरी को उसको कनेक्ट कर चुके हैं और जो अनदर बैटरी है उससे अगर करंट का फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम डायरेक्शन ऑफ द करंट देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ द करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल्स, अनदर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ ज्वाइन हो रहा है, तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि वो चार्जिंग बैटरी के कंडीशन है। बट इन केस ऑफ द डिस्चार्जिंग बैटरी भी मैंने आपको बताया कि ईएमएफ सेम होता है, बट उसमें क्या होता है कि केमिकल्स इफेक्ट के कारण वहां पे पोलराइजेशन होने लगता है। पोलराइजेशन होने के कारण क्या होता है, कोटिंग बनती है, जिससे इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, और उस जगह पे हम क्या कहते हैं कि वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, और एक टाइम क्या होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाता है। एग्जैक्टली मतलब बैटरी क्या हो गया, ओल्ड हो गया। कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में? अब अगर ये इतनी दूर समझने में कहीं दिक्कत नहीं है तो देखो, अब यहाँ समझो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ठीक है, मैंने एक्चुअली पेस्ट कर रखा है वो क्वेश्चंस। तो देखो इस क्वेश्चंस में तुमको क्या दिख रहा है कि इस क्वेश्चंस में यहाँ पे एक सर्किट बनी हुई है। चलो मैं सर्किट्स जो है उसको मैं वापिस से ड्रॉ कर देता हूँ। देखो सर्किट ऐसा है कि ये रेसिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है ठीक है, इस जगह भी एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, क्लियर है, और यहाँ से ऐसे करेंट फ्लो कर रहा है और यहां पर भी एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, क्लियर है। यहां से ध्यान से समझना है टर्म्स को, और इस जगह भी एक रेसिस्टेंस हमको इस तरह से दिया हुआ है ठीक है, और इसको क्या किया गया है, एक बैटरी से जोड़ा गया, यहाँ एक बैटरी कनेक्ट की हुई है ठीक है। क्वेश्चन में तुमको दिख रहा है, बस मैंने वापस एक ड्रॉ कर रहा हूँ इस पिक्चर को क्योंकि सम सॉल्व करना है। देखो ये 3 ओम है, ये 5 ओम दिया हुआ है, ये 3 ओम है और ये 2 ओम है, क्लियर है। यहाँ पे जो करंट है वो I4 दे रहा है, यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो I5 है, यहाँ पर जो करंट है वो I1 है, यहाँ पर जो करंट है वो I2 है, और यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो I3 है, और इस बैटरी की वैल्यू 9 वोल्ट है। इसमें क्राइटेरिया देखो, ऊपर में क्राइटेरिया क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये दे रहा है कि इस जगह से करंट जो फ्लो कर रहा है दिस बिकम आई, और आई की वैल्यू क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, 3 एम्पियर ठीक है। अब यहाँ पे देखो नोटेड क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस के हिसाब से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये पॉइंट्स को डी बोल रहा है ठीक है। और यहाँ पे और कंडीशंस क्या क्या दे रखा है कि वी डी इज इक्वल टू दे रखा है 4 वोल्ट,
और वी सी की वैल्यू दे रखी है 0। ठीक है, अब देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सर्किट दिया हुआ। मैं सिंपल सा अभी जो तुमने पढ़ा है उस बेसिस पे एक सिंपल यूज करके बताता हूँ, देखो इस तरह के सर्किट्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर ये दे रहा है तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द पोटेंशियल ऑफ जंक्शन ए पे क्या होगा, ए पे पोटेंशियल क्या निकलेगा। देखो हमसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल ए पे क्या होगा, तो ध्यान से समझ बेटा। यहाँ देखिए क्या है, 9 वोल्ट, मतलब इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक का पोटेंशियल जो होगा वो कितना है, 9 वोल्ट। ठीक है, अब ये 9 वोल्ट की जो बैटरी है यहाँ पर भी जाएगी तो ए पर भी कितना मिलेगा उसको, 9 वोल्ट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल कितना होगा ए पे, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एट ए कितना मिलेगा हमको, 9 वोल्ट। कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में, आप ध्यान से समझो कि जब ये बातें आपको समझ में आ रही है तो उसी तरह देखो इसमें सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे द करेंट I2 की वैल्यू क्या होगी, तो देखो I2 की वैल्यू हमें लिखनी है, क्लियर है ना, कि I2 की वैल्यू क्या होगी और करेंट I1 की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पहला क्वेश्चन है I1 की वैल्यू क्या होगी, तो देखो ए पे हमको पता है, डी पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है 4 वोल्ट, क्वेश्चंस पे कंसिडर किया हुआ। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें क्या इक्वेशन लिखना है, देखो हम कैसे चलेंगे, वी ए पोटेंशियल, अब यहाँ देखो ये रेसिस्टेंस और करेंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, करेंट ड्रॉप हो जाएगा पोटेंशियल, तो क्या लिखोगे, -I1 इंटू यहाँ पर का भी रेसिस्टेंस कितना है, 3 ओम। ठीक है, तो I1 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी डी, तो वट इज द वैल्यू ऑफ, तो वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू I1, तो देन I1 बिकम्स क्या हो जाएगा, देखो वी ए माइनस वी डी मतलब 9 माइनस 4, वी डी दिया ना 4, और डिवाइड बाई क्या लिख दो, 3, तो दैट मीन्स क्या हो गया, 5/3। कहीं दिक्कत नहीं, अब यहीं से देखो अगर मुझे I2 नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, I2 निकालना, तो I2 निकालना क्या होगा कि देखो यही I करेंट है जो क्या हो रहा है, I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है, तो अगर मैं इसमें जो थर्ड पार्ट मुझसे I2 पूछ रहा है तो I2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख लूंगा, I-I1, मतलब क्या लिखोगे, देखो I की वैल्यू कितनी दी है, 3 एम्पियर, तो हम क्या लिखेंगे, 3 -5/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 ये निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछा है, तो पोटेंशियल ऑफ जंक्शन पी, बी पे पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल बी पे कैसे निकाल सकते हो, ए का पोटेंशियल आपको पता है, बी पे आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, देखना ध्यान से, मैं रूट बनाता हूँ, उस रूट को देखना हम क्या करेंगे, देखो एकदम कलर पे देखना, जिस वायर पे मैं चल रहा हूँ इस वायर को हम कंसिडर करते चले जाएंगे, यहाँ से इस तरह से हम क्या करेंगे, इस वायर के लिए इक्वेशन लिख लेंगे। अब इस वायर के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे तुम, सिंपल लिखोगे वी ए, ठीक है, क्लियर है, मैं क्या निकाल रहे, पोटेंशियल एट बी, ठीक है, पोटेंशियल एट बी निकाल रहे, फोर्थ नंबर हमें हमसे यही पूछा है। ठीक है, तो देखो ए से जब चलना शुरू किया तो ए से, अब ये डायरेक्शन ऑफ करंट है तो डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है, तो क्या लिखोगे, -I2 × 3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, वी बी, तो वट इज द वी ए, ए की वैल्यू कितनी है, 9 वोल्ट, ये लिख लो 9 वोल्ट, -I2 हमने निकाला है, I2 की वैल्यू हमारे पास कितना है, 4/3 × 3 इज इक्वल टू वी बी, तो देखो 3 और 3 कैंसिल, तो देन हमें क्या मिल जाएगा, वी बी इज इक्वल टू 9 - 4 क्या हो गया, 5 वोल्ट। कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में, ठीक है, अब देखो थोड़ा और समझो, ये हो गया, इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, द करेंट I3 की वैल्यू क्या होगी, तो दिस बिकम I3, थोड़ा सा देखो सर्किट्स आप क्वेश्चन में देख रहे हो, सर्किट्स एक बार ध्यान से समझ लेना, देखो I3 की वैल्यू क्या होगी, तो I3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये फोर्थ पूछा गया था, देखो फिफ्थ में हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3, I3 की वैल्यू क्या होगी, तो I3 निकालने का तरीका क्या है, देखो मैं अगर ऐसे लिखो VB से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ से करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 × I3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, VD, और VD की वैल्यू यहाँ से देखो, VD की वैल्यू क्या दिखे, 4 वोल्ट दी हुई है ना, तो VB, तो यहाँ VB हमने अभी निकाला है कितना है, 5, तो 5 - 4/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3, दैट मीन्स I3 इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर, ये भी निकल गया मेरे पास, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में, ठीक है, ये भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद देखो I3 निकल गई, अब I3 के बाद हमसे पूछा कि टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, तो देखो ये वाला टर्म्स थोड़ा सा समझना ध्यान से कि टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी मेरे पास। ठीक है, देखो टोटल रेसिस्टेंस की अगर हम वैल्यू कंसिडर करें तो कैसे मिलेगा ये देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक बार सर्किट की तरफ बढ़ जाते हैं, देखो टोटल रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो ये मतलब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होगा,
एकदम ध्यान से समझना, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होगा, इसका पूरे कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा, वो होगा टोटल रेसिस्टेंस। तो ऑब्वियस ही बात है, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 एम्पियर ना, और कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, मतलब पोटेंशियल है इसके पास 9 वोल्ट। तो तुमको ओम्स लॉ से क्या पूछा हुआ है, वी इज इक्वल टू क्या लिखते हो, आई इंटू आर, तो आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वी बाई आर, मतलब क्या लिखोगे, 9/3। तो कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस, 6 ओम, मतलब टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, 6 ओम। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, बात समझे। उसके बाद पूछ रहा है इसमें I4 में कितना करंट फ्लो होगा, तो ऑब्वियसली VB का पोटेंशियल आपने निकाल लिया है, VC का पोटेंशियल यहाँ पे 0 दिया हुआ, तो I4 निकल जाएगा यहाँ से, कहीं दिक्कत नहीं स्टेटमेंट, इतने स्टेटमेंट को समझने में। ठीक है, तो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये मैंने तुमको एक एक्सप्लेन करके बताया है, कहीं दिक्कत नहीं आई, बात समझ में। अब यहाँ पे देखो इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। तो देखो ये क्वेश्चंस क्या है, जैसे इन केस सपोज करो या तुमको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, जैसे मैं सर्किट बना देता हूँ, जो आपको क्वेश्चंस में दिख रहा होगा सर्किट, मैं एक बार वापस से रीड्रॉ कर रहा हूँ सर्किट को। ये यहाँ पे एक बैटरी लगी है, ओके ठीक है, इस जगह भी इस तरह से, ठीक है, ये बेटा रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसमें यहाँ पे I1 है और ये दिया हुआ है I2, ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन को समझ में आ रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 ओम, यहाँ पे दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है, ये 1 ओम है और ये भी 1 ओम है, क्लियर है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, आई वन आई टू की वैल्यू निकालना, तो देखो और इस बैटरी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे समझो ये तुमको क्या दिख रहा है, एक अनदर लूप है, क्लोज लूप है, और इस क्लोज लूप में ऊपर वाला, ये वाला क्लोज लूप ध्यान से देखो, ये वाला क्लोज लूप जिससे हमको I2 निकालना है, तो इस I2 में तुमको कहीं भी ये जो कंप्लीट क्लोज लूप ऊपर का दिख रहा है उसमें कहीं भी बैटरीज नहीं कनेक्टेड है। जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है करंट फ्लो कहाँ से करेगा, चार्ज का फ्लो दिखेगा नहीं, चार्ज का फ्लो नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट I2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे देखो अगर मुझे I1 निकालना है तो ऑब्वियसली करंट ऐसे चलेगा, ठीक है, तो 2 और 4 क्या हो जाएगा, 6, और 6/3 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पे हमको करंट निकालना है तो I1 अगर आपको निकालना है तो I1 क्या लिखोगे, V/R, और V की वैल्यू है 3, और ये 2 और 4 ये क्या हो जाएगा, 6, तो ये कैंसिल करेंगे तो I1 क्या हो जाएगा, 1/2 एम्पियर, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। मतलब तुमको एक चीज यहाँ इस क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि अगर किसी क्लोज लूप में कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो फ्लो ऑफ द करेंट हम क्या बोलेंगे वहां पे, 0, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन पेस्ट है, क्वेश्चन समझ में आ रही, मैं वापस से इसके सर्किट को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, ये क्या है सर्किट, इस जगह दिया हुआ है 2 ओम, ठीक है, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है दैट इज 10 वोल्ट की, क्लियर है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है 3 ओम का, ओके देखो फिर यहां से एक बैटरी ऐसे बनी हुई है, ठीक है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, क्लियर, यहां देखो ये ऐसे है, यहां पे 4 ओम दिया हुआ है, ठीक है, इस जगह एक और बैटरी लगी है दैट इज 20 वोल्ट की, और यहां पे 6 ओम, ठीक है, इसको डिनोट कर रहा है ए, इसको बी, और इसको सी और डी, देखो और क्वेश्चंस पे क्या कह रहा है हमको डिटरमाइन करना है, हमको क्या पोटेंशियल ड्रॉप ए से डी तक का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज समझा, जब इस तरह की सर्किट्स दी हुई है, इसका डायगोनल ये बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है इस टर्म्स को समझो, ठीक है, एक जस्ट सेकेंड, सर्किट में यहां पर भी रेसिस्टेंस लगा है, ठीक है, ये 4 वोल्ट की बैटरी ऐसे लगी है, यहाँ भी रेसिस्टेंस ऐसे ज्वाइन है, ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, क्लियर है, और ये जो रेसिस्टेंस है इसकी वैल्यू दी हुई है 2 ओम, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि जैसे ये ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस जगह से 10 वोल्ट की बैटरी है, तो ऑब्वियसली सपोज करो यहाँ से I1 करेंट आ रहा है, ये इस तरह से चल रहा है, ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है, तो I1 करंट क्या होगा, यहाँ पे लूप का कंडीशन क्या है, जितना करंट यहाँ से चलेगा उतना करंट यहाँ पे वापस आएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, I1, ठीक है। एज इट इज सेम केस, यहाँ पे 20 वोल्ट का है, तो अगर ये I2 करंट मैं बोलूँ तो I2 इधर से जा रहा है, I2 इधर से जा रहा है, तो ऑब्वियसली घूम के वापस I2 इधर आ जाएगा,
कहीं दिक्कत नहीं इस टर्म्स को समझने में। तो ऑब्वियसली अगर मुझसे यहाँ पे आई वन की वैल्यू निकालनी होगी तो आई वन की वैल्यू क्या निकालेंगे, देखो दो और तीन क्या हो जाएगा, फाइव, सीरीज में जुड़ा हुआ है और ये 10 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली बात है हम क्या लिखेंगे, आई वन इज इक्वल टू 10/5, दैट मीन्स क्या हो गया 2 एम्पियर। क्लियर है ये? ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो उसी तरह 4 और 6, तो यहाँ पे अगर मुझे आई टू निकालना है तो आई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 20/10, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। अब यहाँ से ये चीज़ तो मुझे पता चल गया कि आई वन और आई टू की वैल्यू क्या है, बट हमारे क्वेश्चन में क्या है कि ए से डी तक का पोटेंशियल ड्रॉप निकालो। तो तुम ध्यान से देखो, ए से चलेंगे मतलब हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट ए, अगर यहाँ पे जाओ तो ये करंट कितना है, आई वन है, तो ये क्या हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है, 2 × 3 दैट मीन्स 6। ठीक है, अब यहाँ से चलेंगे तो ऑब्वियसली ये तो निगेटिव से पॉजिटिव चल रहा है, देखो ये निगेटिव से पॉजिटिव है तो प्लस हो गया मेरे पास 4, बट यहाँ पे करंट का फ्लो 0 है तो ये क्या हो जाएगा, अगर उस रेसिस्टेंस के लिए बोलेंगे तो मैं 0 लिख देता हूँ। अब यहाँ से सी से डी, ठीक है ना, सी से डी अगर यहाँ से जा रहे हैं इस पोजीशन से, ठीक है, जैसे वी ए से इस तरफ आए ना तो यहाँ देखा, तो सी से डी, तो यहाँ पे देखो ये रेसिस्टेंस कितना है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है सॉरी कितना बना हुआ है 4 ओम का, तो और ये क्या है इतना करंट है आई टू, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो 4 × 2 ये क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे वी डी, तो देखो यहाँ से वी ए माइनस वी डी अगर अपन करेंगे तो देखो ये 8 और ये 6 क्या हो जाएगा 14, और 14 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 14 और प्लस 4 तो क्या हो जाएगा 10 वोल्ट, और उस तरफ ले आए माइनस 10 वोल्ट, तो इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 10 वोल्ट, मतलब वी ए से वी डी के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में बेसिकली हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी होता है और किस तरह से मिक्स होता है। देखो ये बताने का मतलब यह है कि जो हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जहां हम किरचॉप्स यूज करते हैं हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से उस कंडीशंस को देखते चले जाएंगे और इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे सुपर पोजिशन मेथड क्या होता है। ठीक है।